इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने संगचानी के करीब पुलिस वैन से फरार होने की कोशिश करने वाले 86 मुलजमान की दरखास्त जमानतें मंजूर कर ली हैं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नसीर से। ताहिर, कुल कितने मुलजमान हैं? जी बिल्कुल, देखेंगे पुलिस वैन से फरार होने की कोशिश करने पर जो पुलिस ने मुलजमान गिरफ्तार किए थे उनमें 2 MPA थे, 34 KP के पुलिस एहलकार थे, 42 रेस्क्यू के एहलकार, उसमें 86 अफराद को नामजद किया गया था। इन मुलजमान को गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास किपरा ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा था, जिसके बाद मुलजमान की जानिब से उनके वकला अंसर के यानी मुर्तजा तो मुर्ज़ा आसिफ मिर्ज़ा आसिफ बेग की अदालत में दरख्वास्त जमानतें दायर कर दी थी और आज के लिए पुलिस को नोटिस जारी किया गया था। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास किपरा ने 86 मुलजमान की 20,000 रुपए मुचलकों के बाद जमानत मंजूर कर ली और इन मुलजमान में 2 MPA मलक लियाकत, अनवर जैब, 29 KP के पुलिस एहलकार जबकि 42 रेस्क्यू के एहलकारों से 86 अफराद नामजद थे। इन मुलजमान के खिलाफ थाना संगजानी में दहशतगर्दी में दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। जी बहुत शुक्रिया ताहिर।